दिखाई दिए खटीमा से जो पद यात्रा पे निकले हैं पैदल। कपिल आश्रम से दूसरे दिन वापस फिर कालीघाट। ये अभी रोड क्रॉस करने जा रहे हैं। राम दोस्तों, मैं आपका अपना पहाड़ी राइडर एमजे जो निकला हूँ जागेश्वर धाम से अयोध्या साइकिल यात्रा पे। है छठा दिन यात्रा का और आज मैं जा रहा हूँ खटीमा से पूरनपुर की तरफ। कल हमने यहीं स्टे करा था रात को शिव मंदिर पे खटीमा से, जो कि 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो कुछ ऐसा है सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पे जहाँ हम रुके हैं खटीमा के पास शिव मंदिर पे। ये रहा शिव मंदिर। हर हर राम। और मोहंदा करवा रहे अपने पिताजी का श्राद्ध यहाँ पे। ये पंडित जी हैं। तो जिन पंडित जी के उधर हम रुके थे वो अपने बारे में बता रहे हैं। वो भी साइकिलिंग करते थे पहले, उन्होंने काफी यात्रा कर रखी है। वो क्या कहते हैं, हमने ट्राम किया 24 परगना, 24 परगना से स्टीमर, फिर कपिल आश्रम, कपिल आश्रम से दूसरे दिन वापस फिर कालीघाट, कालीघाट से फिर रिटर्न हुए इधर वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट तारापीठ होते हुए वासुकीनाथ बाबा धाम और सूर्य मंदिर बरगट्टा में, सूर्य मंदिर से फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद से अयोध्या होते हुए लखनऊ होते हुए वापस सीतापुर, सीतापुर से रात में 11 बजे लगभग हम बदायूं वापस पहुंचे। सुबह हम खा रहे हैं ये ड्राई फ्रूट है, पूरे गजक के अंदर पूरे ड्राई फ्रूट भरे पड़े हैं ये लोग, इसको खा के निकलते हैं। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे राहुल भाई। थैंक यू। और ये राहुल भाई, ये गजक, इसके अंदर पूरे ड्राई फ्रूट भरे हैं। ये चल रहा है अपना सुबह सुबह। जो अल्मोड़ा से हमारे स्वागत में हमारे गले में मालाएं डाल रखी थी वो हमने हैंडल पे रखी थी, तो इन चीज़ों को अभी हम सही जगह पे रखते थे क्योंकि ये मंदिर है, ऐसे कहीं बाहर नहीं फेंकेंगे, आराम से मंदिर पे यहीं फूल के पेड़ के नीचे रख देंगे। ये देखो यहाँ पे रख दिए, ये मंदिर रहा। तो हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। मोहंदा ने भी कर ली पैक साइकिल अपनी और मैंने भी, राहुल भाई ने भी। तो अब हम चलेंगे सीधे पूरनपुर की तरफ खटीमा से। अपनी यात्रा हो गई है शुरू आज, तो अपनी यात्रा हो गई है शुरू साइकिल राइड, जो कि खटीमा से हम जा रहे हैं अभी पूरनपुर की तरफ। हम जा रहे थे यहीं से होते हुए तो सारे बच्चे आ गए खुश होके, और ये भैया अभी आए हैं अभी। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। काम है आपको यात्रा की। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। चलो 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 सब काटो। तो अभी ये जो गांव दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे जो उत्तराखंड के सीएम है धामी जी, उनका गांव है। और इस साइड पे है गांव और लेफ्ट साइड पे है नदी। अभी राइड करते करते हम पहुंच गए हैं सीएम धामी जी के गांव, जो अपने उत्तराखंड के सीएम है धामी जी, ये उनका गांव है। और गांव के ही जस्ट बगल में बह रही है शारदा नदी। एक साइड पे, राइट साइड पे गांव है और लेफ्ट साइड पे बह रही है शारदा नदी। ये देखो बहुत बड़ी है शारदा नदी भी ये। तो ये जो आपको नदी दिख रही है ये नदी है शारदा, और अभी हम शारदा नदी के पुल पे हैं। ये देखो यहाँ से आ रही है नदी, यहाँ को बह रही है, तो ये क्रॉस कर रहे हैं अभी हम शारदा नदी वाला पुल। तो ये देखो शारदा नदी के किनारे कितने सारे केले के पेड़ हैं, पूरी केले की खेती हो रही है। ये देखो सारे पेड़ ही पेड़ केले के दिख रहे हैं इधर की साइड। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए, हमने लगा दी अपनी साइकिलें यहाँ और खाते हैं हम खाना और उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। राहुल भाई, बन रहा क्या खाना? बस बन रहा है, ऑर्डर कर दिया है पहले रोटी दाल सब्जी। ओके, तो यहाँ पे आ गया अपने लिए खाना। मुंदा चल रहा है खाना बोल। ये राहुल भाई फुल पराठे लपेट रहे हैं। पराठे बाबा मेरे फेवरेट हैं। हाँ, तो मैं भी खाता हूँ खाना और फिर निकलते हैं जल्दी। तो खटीमा
से करीब 15 किलोमीटर दूर आ गए हम। ये जगह है बारामल, ये देखो बारामल बैराज। तो यहाँ से अपने को जाना है आगे, और धूप आई नहीं है बिल्कुल, हल्का हल्का कोहरा दिख रहा है, धुंध पड़ी है पूरी। ये देखो अपने को दिख गए हिरण ये भागते हुए, ये अभी रोड क्रॉस करने जा रहे, उधर तो चलेंगे। चल रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे, और दोनों साइड घना जंगल है और बीच में प्लेन सी रोड मस्त सी। तो यहाँ पे हमें जानवर दिखे, जिसमें कि हिरन देखे हमने, और क्या कहते हैं मोर दिखा। हिरन की छोटी सी मैंने क्लिप बनाई क्योंकि कैमरा जेब में था, तो निकालने में थोड़ा टाइम लग गया, इतने में वो भाग गए। कुछ और जानवर दिखते हैं तो आप लोग को भी। तो अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें भालू दिखाया गया है, और इस पे लिखा है सावधान मैं सड़क पार कर रहा हूँ। तो ये बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों पे गाड़ी चलाएं, स्पीड कम रखें, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर रोड क्रॉस करते, क्योंकि इस साइड भी जंगल है और इस साइड भी जंगल है। तो चलते चलते अपने को ये दिखा, ये है जो सिंगोड़ी मिठाई होती है उसके बाहर जो पत्ता लगा रहता है ना मालू का, वो है, क्योंकि हमें पंडित जी ने बताया था। तो ये है ऐसी बेल होती है, बेल इसी बेल में लगे रहते हैं मालू के पत्ते। तो जो भी सिंगोड़ी लवर हैं उनके लिए है ये पत्ता। सिंगोड़ी आप अपने हिसाब से लगा लेना, इसमें पत्ता मेरी तरफ से। तो ये जो बेल जैसी दिख रही है आपको, इन्हीं पे लगे होते हैं मालू के पत्ते। ये देखो हमें रोड से दिखाई दी शारदा नदी पे बनी एक हल्की सी पुल, जिसके ऊपर से पानी बह रहा है एकदम नीला नीला। ये देखो पूरा झाग सा बन रहा है, और आवाज़ मेरी साफ नहीं आ रही क्योंकि पानी की आवाज़ ना बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ये देखो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है शारदा नदी ये। तो अभी मैं खड़ा हूँ शारदा नदी के किनारे, और ये देखिए शारदा नदी का खूबसूरत नज़ारा, एक छोटा सा झरना सा बह रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए थे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी वीडियो और फोटो शूट कर लिया, आप चलते हैं हम आगे पूरनपुर की तरफ। फिर से शुरू कर लिए हमने अपनी साइकिल राइड, और यहाँ से पूरनपुर है करीब 29 किलोमीटर। तो अभी 29 किलोमीटर हमें और राइड करनी है, और हल्की सी धूप भी आ गई है, बहुत कम धूप है, हल्की सी धूप है। और ये देखिए ठंडी का जुगाड़, साइकिलों में लकड़ियाँ काट के ले जा रहे हैं भाई लोग छोटे छोटे। ये देखो लकड़ी के गट्ठर, ये देखो क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है यार, अपने पहाड़ में तो धूप खिली रहती है सर्दियों में भी, बट यहाँ पे देख रहे हो हालत कैसी। चलते हमें ये दिखाई दिए घास फूस के घर भी, ये देखो ऐसे मैंने पहले फिल्मों में देखा था ऐसे घर होते घर के, और आज रियल में देख लिया। ये देखो गेहूँ के खेत सामने, और ऐसे गोबर के उपले बना रखे हैं जलाने के लिए। ये हम पूरनपुर से करीब 10-12 किलोमीटर पीछे हैं, और हमने ये देखी पद यात्रा वाले, तो यहाँ पे वो हमें थोड़ा जलपान करवा रहे हैं। ये रहे अंकल जी जो पद यात्रा में चले हैं खटीमा से। जय श्री राम। तो खटीमा से पैदल यात्रा वाले भी चल रहे हैं हमारे पीछे, ये देखो हमें कुछ राम भक्त मिल गए हमें। जय श्री राम भाई लोग, जय श्री राम। फाइनली हम पहुंच गए हैं पूरनपुर, और अभी हम 1-2 किलोमीटर और आगे जाएंगे, और हमें किसी भैया ने लोकेशन बता रखी है, तो वहीं हम आज कैंप करेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है, और हमें खाना भी खाना है अभी। तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद अपनी आज की जो लोकेशन है वहां पहुंचेंगे। अभी हम यहां मंदिर में रुके थे, तो ये भाई हमारे लिए लेके आए चाय। भाई आपका नाम? अच्छा, और आपका? समक्ष। ये दोनों लेके आए हैं हमारे लिए चाय। ये देखो समोसे भी लेके आए। ये देखो मोहनदा तो लपेटने में लग गए समोसे। तो चलो हम भी चाय और समोसे खाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अपना टेंट लग चुका है, साइकिल से सामान उतारना है मेरे को, थोड़ा सामान उतार लिया मैंने, और यहाँ मैट्रेस बिछा दी है। ये अपना आशियाना हो गया तैयार, मोहनदा ने पेनियर बैग रख लिए है, और मैंने स्लीपिंग बैग रखा है, और मैट्रेस बिछा रखी है। अभी अपने पेनियर बैग उतारने हैं, इनको उतारता हूँ। और ये जो लोकेशन है मंदिर है, माता का मंदिर, ये तुलसी माता की आरती हो रही है यहाँ पे। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता।
खाना पीना खा लिया हमने, तो अब चलते हैं सोने। पीना खा के अब है सोने की तैयारी, और आज रुके हैं हम पूरनपुर पे। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जैसे शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।